हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपको बता देते हैं कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे। अपने यहां से मक्का के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मक्का के प्रकार के बारे में, यानी कि यहां से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन होता है जो ज़्यादातर बच्चों का कई बार गलत हो जाता है। तो आज यदि ये आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो स्टूडेंट्स आज के बाद में आपका कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बहुत शानदार तरीके से टेक्नोलॉजी से करवाया जाएगा। यहाँ देखें, मक्का के दानों के बारे में संपूर्ण जानकारी इसी एक लेक्चर में आपको मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मक्का के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ मेज। अब देखो स्टूडेंट्स, इनको किसके आधार पर बांटा गया है, तो इसमें अपनी किन का क्लासिफिकेशन किया गया है, दानों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि दानों के प्रकार किए गए हैं, दानों के अलग अलग टाइप हैं। इसमें अपने पास फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा, जिया मेज इंड्यूराटा। ये क्या है बच्चों? इंड्यूराटा। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? फ्लिंट कॉर्न नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्लिंट कॉर्न। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होगा, तो बच्चों यहाँ देखें अपने पास इस प्रकार के बहुत ही शानदार ये दाने रहते हैं। इसमें आपने इमेज देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। अब फिर भी आपको याद करवाने का तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, यानी कि क्रिकेट में ज़्यादातर इंडिया किस में भाग ले रहा है? क्रिकेट में ले रहा है। तो यहाँ आपने मान लीजिए बॉल को क्या किया? फ्लिक किया है, ठीक है। तो फ्लिक से याद क्या हुआ? फ्लिंट कॉर्न। फ्लिक से फ्लिंट कॉर्न, और आपने उस बॉल को फ्लिक किया, यानी कि यहाँ से इंडू नाम का खिलाड़ी था, उसने क्या कर लिया? उसको कैच कर लिया। तो यहाँ पर फ्लिंट कॉर्न इंड्यूराटा, फ्लिंट कॉर्न इंड्यूराटा। और मैंने ये क्यों दिया है स्टूडेंट्स आपको याद करवाने के लिए, क्योंकि सर्वाधिक ये जो इस प्रकार का मक्का रहता है, ये सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? भारत में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? भारत में उगाया जाता है। तो यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाने वाला मक्का है। यहाँ से आपको एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है, या तो वो आपको दिया जाएगा कि जिया मेज इंड्यूराटा को है किस प्रकार का है, फ्लिंट कॉर्न है, या पॉड कॉर्न है, या पॉप कॉर्न है, या स्वीट कॉर्न है। तो आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर आपको यहाँ से पूछा जाता है। और या आपको सुमेलित करने के प्रकार दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आज आप यहाँ से इसके संपूर्ण इसी एक लेक्चर में आपको जानकारी मिलेगी। चलो, जो बच्चे नए हैं, जो चैनल पर नए हैं, तो वो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एग्री हब का चैनल, तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, चलो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पास कौन सा प्रकार है। दो नंबर, यानी कि यहाँ से देखें जिया मेज इंडेन टाटा। अब देखो स्टूडेंट्स इसको याद कैसे करेंगे, इंडेन टाटा, यानी मान लीजिए क्या है अपने पास, आप कहो सर इंडेन गैस होती है, क्या होती है? इंडेन गैस होती है। तो इसमें इंडेन से याद करो क्या, डेंट कॉर्न। इसमें भी क्या लगा है? डेन टाटा, इंडेन टाटा, यानी कि डेंट कॉर्न। ओके, इंडेन टाटा, इंडेन टाटा। ओके, तो इससे क्या होगा? डेंट। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ डेंट दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? डेंट कॉर्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेंट कॉर्न। क्यों कहते हैं? देखें यहाँ पर अपने पास इमेज, यानी इसमें दाने होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसके प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? जैसे दांतों, दांत होते हैं ना, दांत, डेंट का अर्थ क्या होता है? दांत। दांत के प्रकार के टाइप के यहाँ इसके क्या दिखाई देते हैं? शेड दिखाई देते हैं। इंडेन टाटा, इंडेन टाटा डेंट कॉर्न, इंडेन टाटा डेंट कॉर्न। आप साथ साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी खेती स्टूडेंट्स कहाँ की जाती है? मेनली यूएसए में की जाती है। कहाँ? यूएसए में की जाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रचलन अधिक है। किसका? जिया मेज इंडेन टाटा का, यानी कि डेंट कॉर्न। कहाँ उगाया जाता है सर्वाधिक? यूएसए में उगाया जाएगा। और अपने भारत में, आप कहो सर भारत में फ्लिंट कॉर्न, ठीक है ना, फ्लिंट कॉर्न। ओके, इंड्यूराटा, इंड्यूराटा। ओके, यहाँ से अपने पास देखिए स्टूडेंट्स तीन नंबर प्रकार कौन सा, जिया मेज इवल्टा, जिया मेज इवल्टा। ओके, इसको देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसको पॉपकॉर्न कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न कहते हैं। अब देखो पॉपकॉर्न है यहाँ, ये इस प्रकार के रहते हैं। अब आपने यदि आपने कभी खाए भी होंगे पॉपकॉर्न, ये क्या होते हैं? मक्का के होते हैं, यानी कि इस प्रकार के मक्के को अपने लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर गर्म करते हैं, तो इनके दाने अंदर से फुलाव करके ये क्या जाते हैं? फूल जाते हैं। यानी यहाँ देखिए, इसके दानों को यदि 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्नफ्लेक्स, या ये चिप्स बनाने के काम में आते हैं। तो पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं, या इसको क्या दिया नाम जाता है? कॉर्नफ्लेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कॉर्नफ्लेक्स कहा जाता है। अब ज़्यादातर बच्चे और किस में कन्फ्यूज होते हैं? पॉपकॉर्न के साथ में किस में कन्फ्यूज हो जाते हैं? एग्जामिनर दे देता है पॉडकॉर्न। क्या? पॉडकॉर्न, ठीक है ना। पॉडकॉर्न में स्टूडेंट्स होता क्या है? पॉडकॉर्न का नाम रहेगा जियामेज। यहाँ पर पॉपकॉर्न का इवर्ट है, तो पॉडकॉर्न का ट्यूनिकाटा, जियामेज ट्यूनिकाटा रहता है, जियामेज ट्यूनिकाटा। ओके, तो इस प्रकार आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि अभी तक अपने तीन पढ़ चुके हैं, फ्लिंट कॉर्न, उसके बाद में यहाँ पर आपका डेंट कॉर्न, और यहाँ पर पॉपकॉर्न। चलो यहाँ अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ देखें, जिन बच्चों ने अभी तक टारगेट बेंच 2022 हमारा ज्वाइन नहीं किया है, वो तुरंत ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट यानी कि छूट मिलने वाला है। ट्वेल्थ बेस यानी कि आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में यदि 80% से अधिक अंक लेकर आए हो आप, तो आप यहाँ पर आपको फीस में बम्पर छूट मिलने वाली है। इसमें आप कहोगे सर कितनी छूट मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी? तो स्टूडेंट्स आपको यूट्यूब पर एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट लगाऊंगे, तो वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसमें कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो ये संस्थान के नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अभी बेंच स्टार्ट है, जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ आपको फीस में बिग डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, और आपको बता देते हैं कि स्टूडेंट्स क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यदि आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं चाहते हैं, तो एक बार एग्री हब का ज़रूर विजिट करें, रायसी नगर में डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करें। ओके, चलो उसके बाद में देखें स्टूडेंट्स, जिया में सेकेराटा का आप देखें यहाँ से कि अपने पास सेकेराटा को नाम किस नाम से जाना जाएगा? स्वीट कॉर्न सेकेराटा। यानी ये देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का रहता है। यदि आपने इमेज देख लिया है तो आपको याद हो जाएगा। अब आपको सर ये इस प्रकार है, हाँ, स्वीट कॉर्न का देखो स्टूडेंट्स, ये मक्का रहता है, वो अन्य मक्का से अपेक्षा क्या रहता है? मीठा रहता है। अन्य जो प्रकार के आपको बताए थे उनसे ये क्या रहता है? मीठा रहता है। तो इसको देखो स्टूडेंट्स, यानी कि पूर्ण रूप से पकने से पहले ही इनको तोड़कर आग के ऊपर सेक कर क्या खाने के काम में लिया जाता है? किसको? स्वीट कॉर्न को सेक के रटे, क्योंकि ये अन्य जो मेज है उनसे ये मीठा होता है। यहाँ देखें, यह डिब्बाबंदी के लिए भी स्टूडेंट्स उपयुक्त है। यह मक्का अन्य की अपेक्षा देखें मीठी होती है, इसलिए इसके भुट्टों को पकने से पूर्व तोड़कर उसको आग पर सेक कर खाया जाता है। किसको? स्वीट कॉर्न सेकेराटा। ओके, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलती हैं, और जनरली ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, जियामेज एमाइलेशिया सॉफ्ट कॉर्न है, तो आपको देखो शब्द में ही आंसर आ रहा है कि सॉफ्ट कॉर्न, यानी कि इसके स्टूडेंट्स सीड क्या होंगे? मुलायम प्रकार के होंगे। यानी इसकी सीड्स क्या होती हैं बच्चों? मुलायम प्रकार के होती हैं। तो इसको देखो स्टूडेंट्स, तो इससे क्या बनाया जाता है? आटा बनाने में मेनली काम में लिया जाता है। सॉफ्ट कॉर्न है तो इससे आटा बनाया जाता है मेज का। तो इसको क्या? फ्लोर कॉर्न भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्लोर कॉर्न। तो इसका दाना क्या होता है बच्चों? मुलायम होता है। और यहाँ देखें, यह आटा बनाने के काम में आता है।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लोर मैच कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लोर मैच कहते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अलग अलग पॉइंट पर, जो आपको कंसेप्ट के तौर पर चाहिए वो आपको सभी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके चलो यहाँ देखें, जिया मेज ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकाटा स्टूडेंट्स क्या हुआ, पॉडकॉर्न। ट्यूनिकाटा को क्या कहेंगे, पॉडकॉर्न। अभी आपको क्या बताया था, पॉपकॉर्न बताया था, पॉपकॉर्न बताया था, ठीक है ना, पहले क्या पढ़ा था, पॉपकॉर्न। आप कहो सर इसको क्या कहते हैं, जिया मेज इवर्टा, इसको क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न को इवर्टा, पॉडकॉर्न को ट्यूनिकाटा। तो बच्चों डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरली इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये देखें, ये होता है ट्यूनिकाटा। अब यहाँ से आपने देखा स्टूडेंट्स कि ट्यूनिकाटा है, तो इसमें आपने इमेज में से क्या आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर प्राचीन काल का है, यानी देखो ये प्राचीनतम मक्का का प्रकार है, प्राचीनतम मक्का। और इसमें देखो स्टूडेंट्स दाना है वो छिलके से पूर्ण रूप से ढका हुआ है दृढ़ता से। ओके तो यह आपको देखो इमेज आपने देख लिया पॉडकॉर्न की, तो पॉडकॉर्न किस प्रकार की है, मक्का की, प्राचीनतम प्रकार का ये मक्का रहता है। और इसका दाना व छिलका भुट्टों से ढका रहता है, इसका देखो ये दाना व छिलके रहते हैं तो ये इस प्रकार ढके हुए रहते हैं। तो एक इमेज देखो बच्चों क्या होता है, वन इमेज, ठीक है ना, इक्वल टू कितना, 100 वर्ड्स के, यानी कि यदि आपने इमेज देख लिया, एक इमेज देख लिया तो 100 वर्ड की तुलना कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। तो आप याद करें पॉडकॉर्न को क्या कहते हैं, ट्यूनिकाटा कहते हैं, या जिया मेज ट्यूनिकाटा है क्या, पॉडकॉर्न। ओके चलो यहाँ से अपने पास 7th नंबर का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जिया मेज सेरिटिनाकुलस। जिया मेज सेरिटिना भी मिल जाता है कई बार, और कुछ बुकों में सेरिटिनाकुलस लिखा मिल जाता है। चलो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वैक्सिकॉर्न, या इसको वैक्सकॉर्न कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वैक्सकॉर्न कहते हैं। ओके यानी अब आपको पता लग गया होगा नाम से ही कि इसके बीज होंगे वो किस प्रकार के, मोम लाइक्स होंगे, मोम यानी वैक्स, मोम लाइक रहते हैं। ये देखें इसमें बच्चों ये चमक किसके कारण होती है, ये इसमें चमक किसके कारण होती है, स्टार्च के कारण होती है, यानी इसमें अन्य मक्का के प्रकार थे उनसे सर्वाधिक ज़्यादा, यानी उनकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा किसकी मात्रा होगी, स्टार्च की मात्रा होगी, स्टार्च, सेरिटिनाकुलस, स्टार्च से क्या हो गया, सेरिटिनाकुलस, सेरिटिनाकुलस यानी कि वैक्सकॉर्न। तो यहाँ देखें इसमें बच्चों क्या होती है, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, इसमें क्या होती है, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, और किसके बराबर होती है लगभग, यानी कि टोपियोका, टोपियोका या इसको क्या कह सकते हैं, साबूदाना, साबूदाना का आपने नाम सुना होगा ना, तो साबूदाना के समान इसमें क्या होती है, स्टार्च पाई जाती है, और यह स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार आपको पता लग गया कि स्टूडेंट्स कितने टाइप थे, यानी कि दानों के प्रकार के आधार पर मक्का को क्लासिफिकेशन किया गया है, तो 7 प्रकार के अपने पास रहते हैं, यानी कि अब इसका वैक्सकॉर्न को क्या नाम देते हैं, सेरिटिनाकुलस, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको या तो इसमें क्वेश्चन मिलेगा सुमेलित का टाइप, या आपको टू द पॉइंट दिया जाता है कि पॉपकॉर्न है तो जिया मेज, पॉपकॉर्न दिया इवर्टा हो गया, पॉडकॉर्न देता है तो ट्यूनिकाटा हो जाता है, वैक्सकॉर्न देता है तो सेरिटिनाकुलस हो जाता है, ओके, सॉफ्ट कॉर्न देता है तो एमाइलेशिया हो जाता है, फ्लिंट कॉर्न देता है तो इंड्यूराटा हो जाता है। तो आपको याद हो गए होंगे। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट रूप से वीडियो देखा है और आपको समझ में आया होगा, और अभी तक स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, और जितना हो सके यदि 12th पास बच्चे देख रहे हैं अभी इस लेक्चर को, तो बच्चों एक बार ज़रूर एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट राय श्रीनगर का डेमो क्लास अटेंड करें, क्योंकि क्वालिटी के मामले में यदि आप गुणवत्ता नहीं चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएं। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।